हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन द प्रीवियस वीडियो वी कम्पलीटेड चैप्टर नंबर थर्ड इन दिस वीडियो वे डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फोर्थ बेसिक जीमेट्रिकल आइडिया ओके तो हम लोग देखेंगे बेटा इसमें जो जीमेट्रिकल की बेसिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन्स के बारे में कि, कि जीमेट्री का बैग्राउंड क्या है और

जियोमेट्रॉन से जियोमेट्रॉन का क्या मतलब है एंड मेजरमेंट ठीक है जियोमेट्रॉन किसके इक्वल है बेटा जियोमेट्री के और जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है अर्थ का मेजरमेंट ओके okay? तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द जियोमेट्रिकल आइडिया सेब्ड ऑफ एन एशियन टाइम ठीक है जो हिस्टोरियंस हैं उनके हिसाब से जो जीमेट्रिकल आइडिया है वो वो एसेंट के टाइम से ही चल रहा है प्रोबेबल ठीक है संभवतः ड्यू टू द तो नीडेड इन आर्ट ठीक है जिससे कि क्या जरूरत हुई आर्ट की आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट का ठीक है दिस इंक्लूड ओकेशंस वेन द बाउंड्री ऑफ कल्टिवेटेड लैंड ड टू बी मार्केट विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेन्स ठीक है फिर आगे क्या बोला बेटा की दिज इंक्लूड वेकेशंस ठीक है दिज इनक्लूड वेकेशंस या एक और कारण हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है ठीक है इसी को बोला जाता है कल्टिवेटेड लैंड उसको उसकी जो बाउंड्री बनाना हो उसके लिए विदाउट गिविंग रूम ठीक है कोई भी आप स्पेस नहीं छोड़ो कंप्लेन करने के लिए जो सामने वाला आपके बगल वाला हो वो आपको कंप्लेन ना कर सके आप मेरी लैंड की बाउंड्री बनाए हुए हो ठीक है तो इसके लिए कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिक कंस्ट्रक्शंस करना हो गया किसी मैग्निफिकेंट प्लेस का टेम्पल्स हो गया लेक like हो गया आ डैम हो गया उसके लिए आ कोई सिटीज हो गया इसके लिए किसकी जरूरत होगी बेटा आर् आर्ट आर्ट की और आर्किटेक्चर प्रोपिट अब दिज आइडियाज ठीक है ये क्या करता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो गया मैग्निफिकेंट प्लेस का आ टेम्पल हो गया लेक like हो गया डैम हो गया कोई सिटीज हो गया तो उसमें आर्ट और एक, जो आर्किटेक्चर होता है उसको क्या करता है ए प्रोपिट यानी आधार देता है श्रेय देता है ये आइडिया है ठीक है इवन दिस जियोमेट्रिकल आइडिया आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म ऑफ द आर्ट ठीक है ये जो इवन टूडे जो आजकल का ज्योमेट्रिकल आइडिया है वो रिफ्लेक्टेड दिखाई देता है हम लोग को ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट आर्ट का कोई भी फॉर्म हो उसमें दिखाई देगा मेजरमेंट हो गए आर्किटेक्चर्स हो एंड इंजीनियरिंग हो एंड क्लॉथ डिजाइनिंग एक्सेट्रा इसमें भी हम लोग को क्या होता है जो ज्योमेट्रिकल आइडिया हैं वो आज के दिन में दिखाई देते हैं यू ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स टेबल बुक एंड टिफिन बॉक्स यू कैरी टू आवर स्कूल फॉर लंच द बॉल विथ विच यू प्ले एंड शो ऑन ठीक है तो क्या बोल रहा है कि यू ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट अब ऑब्जर्व करते हो और यूज करते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स हो गया टेबल हो गया बुक्स हो गया टिफिन बॉक्स हो गया जो आप कैरी करते हो अपना लंच स्कूल के लिए और बॉल हो गया जिससे आप प्ले करते हो। ऑल सच ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट सेप ठीक है ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके डिफरेंट सेप्स हैं द रूल, द रूलर विच यू यूज ठीक है the rule, the use, जो रूलर जो पटरी होती है जिसको आप यूज करते हो पेंसिल विथ विच यू राइट अ स्ट्रेट और पेंसिल जिससे आप क्या करते हो बेटा राइट करते हो स्ट्रेट दिक्चर्स ऑफ अ बैंगल ठीक है बैंगल्स का पिक्चर्स हो गया ऑन वन रुपीज क्वाइंस वन रुपीज के क्वाइंस हो गया और अ बॉल अपीयर राउंड ठीक है कोई बॉल हो एक ऐसा दिखाई देगा अपीयर होगा हम लोग को कैसा राउंड में ओके ही यू लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट देट यू दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू ठीक है यहाँ पे आप क्या करोगे लर्न करोगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको क्या करेगा बेटा हेल्प करेगा अपने आस पास के जो राउंड शेप्स हैं आज से उनके नॉलेज के लिए ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या पॉइंट पॉइंट के बारे में देखेंगे पॉइंट क्या होता है तो हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं पॉइंट क्या होता है इसको देखते हैं बेटा ठीक है बाई अ शॉर्प टिप ऑफ अ पेंसिल ठीक है पेंसिल ले लो उसके शॉर्प शॉर्प टिप से अब क्या करो मॉर्क डॉट ऑन अ पेपर ठीक है एक डॉट बनाओ पेपर पे मार्क करो सर्फ पर टिप ठीक है जितना पेंसिल का टिप शॉर्पर होगा नुकीला होगा थिनर विल बी द डॉट ठीक है उतना ही पतला क्या होगा डॉट थीन होगा दिज ऑलमोस्ट इन इन विजुअल जस्ट अ सेकेंड बेटा यहाँ पे क्या है दिख नहीं रहा ठीक है टीनी डॉट है, These almost जो teeny dot है आपको आइडिया देगा एक पॉइंट्स के बारे में ओके तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है पॉइंट डिटरमाइंट लोकेशन ठीक है जो एक पॉइंट्स है वो क्या करता है बेटा डिटरमाइंट करता है लोकेशन को दीज आर सम मॉडल वा ठीक है यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए गए हैं पॉइंट के इफ़ यू मार्क थ्री पॉइंट ऑन अ पेपर ठीक है अभी आप थ्री पॉइंट एक पेपर पर पे मार्क करते हो तो यू विल बी रिक्वायर टू डिस्टिंग गिवस देम ठीक है तो क्या होगा कि आपको उसकी जरूरत होगी कि आप इसकी पहचान कर सको फॉर दिस दे आर डोनेटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी ठीक है और इसको क्या किया जाता है बेटा इसीलिए इसको डोनेट किया जाता है सिंगल कैपिटल लेटर से जैसे कि ए बी सी होगा ठीक है आप यहाँ पर देखो पॉइंट बनाए हो द टिप ऑफ ठीक है कंपाउस्ट के टिप से द शॉर्ट इन ऑफ द पेंसिल पेंसिल के शॉर्ट इन से द पॉइंटेड इन ऑफ द नीडल ठीक है नीडल के पॉइंटेड इंड से यहाँ पे देखो आप क्या किए पॉइंट बना लिए उसका नेमिंग कर दिए ए बी एंड सी दिस पॉइंट विल बी रीड एस पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ऑफ कोर्स द डॉट है थीन ठीक है जो डॉट होता है वो क्या होता है बेटा इन विजुअल थीन होता है आगे हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट को ठीक है अभी हम लोग देख लिया क्या पॉइंट Point, पॉइंट्स के बारे में जान लिया अब देखेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या होता है फोल्ड अ पेपर सॉरी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट ठीक है एक पेपर लो उसको पेपर का टुकड़ा लो उसको फोल्ड करो फिर उसको अनफोल्ड करो डी यू सी अ फोल्ड ठीक है जहाँ से फोल्ड किया उसको आप देखो दस गिव अ आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट तो जहाँ से फोल्ड किया हो एक आइडिया देगा आपको लाइन सेगमेंट के बारे में इट हैज टू इंड पॉइंट ए एंड बी ठीक है मान लो ए हम क्या किए एक पीस ले लिए कागज के टुकड़े को इसको मैंने क्या किया यहाँ से फोल्ड किया ठीक है फोल्ड किया बेटा तो यहाँ पे देखो जहां पे होगा वो एक पॉइंट बन जाएगा ठीक है तो ये जो पॉइंट ए और बी बोल रहा है ठीक टेक अ थीन थ्रेड आते तो एक पतला धागा लो होल इट टू इंड एंड स्ट्रेट इट विदाउट स्लैक ठीक है और इसको क्या करो स्ट्रेट करो विदाउट स्लैक ठीक है बिना ढीले हुए इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट ठीक है ये क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन सेगमेंट को द एंड हेल्ड बाई द हैंड ठीक है ओ एंड जो हैंड से हेल्ड के हो पकड़े हुए हो आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट वो क्या होगा इंड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट का फॉर एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखो जो पेपर फोल्ड किए तो जो ए से बी हो गया ठीक है ए क्या हो गया लाइन सेगमेंट हो गया ठीक है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट ठीक है मान लो थ्रेड यहाँ से यहाँ डॉट है यहाँ पे डॉट है तो क्या हो गया जो थ्रेड हो गया क्या हो गया लाइन सेगमेंट हो गया ओके आगे मूव करते हैं द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ लाइन सेगमेंट ठीक है यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए हैं लाइन सेगमेंट को उसके बारे में देख लेंगे आप एन एड्स ऑफ अ बॉक्स ठीक है एक बॉक्स के जो एड्स हैं वो हो जाएंगे क्या लाइन सेगमेंट ठीक है अ ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट भी क्या हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा द इड्स ऑफ अ पोस्ट कार्ड ठीक है जो पोस्ट कार्ड होता है उसका भी एड्स क्या हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट होगा ट्राई टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स फॉर द लाइन सेगमेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग ठीक है क्या करना है कि आपको ट्राई करना है और एग्जाम्पल्स लाइन सेगमेंट के पाने के लिए आपके आसपास जो है मार्क एनी टू पॉइंट ए एन बी ठीक है कोई दो पॉइंट मार्क करो मान लो ए और बी को मैंने मार्क कर लिया ऑन अ सीट ऑफ अ पेपर ठीक है पेपर के सीट पे ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय ऑल द पॉसिबल रूट ठीक है अब क्या करो किसको कोशिश करो मान लो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया एक बी ले लिया ठीक है इसको मैं क्या कर रहा हूँ को कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए ए से बी पे ठीक है तो आप ऐसे 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 भी जा सकते हो बी से बी तक फिर आप इसको ऐसे 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 करते करते फिर फिर भी यहाँ पे भी बी जा बी पे जा सकते हो ठीक है और तो फिर आप स्टेट भी जा सकते हो स्टेट भी जा सकते हो ना बिल्कुल तो इसमें क्या बोल है बेटा कि पॉसिबल रूट दैट वीड द शॉर्टर रूट फ्रॉम ए टू बी ठीक है व्हाट इज द शॉर्टर रूट तो ए और बी के बीच में शॉर्टर रूट क्या होगा द शॉर्टर ज्वाइंट ऑफ पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी सो देयर इन लॉइज सेगमेंट ठीक है ध्यान है बेटा तो जो ए और बी के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा एक लाइन सेगमेंट को दिखाएगा इट इज नोनेटेड बाई ठीक है लाइन ए बी ठीक है और लाइन सेगमेंट बी ए दस पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ठीक है यहाँ पे जो पॉइंट ए और बी है वो क्या करेगा बेटा उसके बोला जाएगा एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ठीक है इसको और इसको क्या बोला जाएगा एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लाइन अब लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे लाइन क्या होती है कि इमेजिन दट दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी ठीक है हम लोग को इमेजिन करना है एक लाइन सेगमेंट जो ए टू बी से है दैट इज ए बी इसको लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे राइट करते हैं बेटा ए बी ऊपर एक बार लगा देते हैं ठीक है इसको बार, बार बोला जाता है तो ए बी तो क्या हो जाएगा इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इज ऑन अदर डायरेक्शन एंड बी बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन ठीक है ए को किसी मान लो यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे कि इमेजिन करते हैं कि हम लोग ए लाइन सेगमेंट लिए ए और बी ठीक है यहाँ से यहाँ तक था लाइन सेगमेंट ठीक है फिर से देखना लाइन सेगमेंट कहाँ से है यहाँ तक था ठीक है क्या बोला है कि ए को हम लोग दूसरे साइड में बढ़ाते हैं और बी को किसी और साइड में बढ़ाते हैं ठीक है ये बोल रहा है बढ़ा दिए फिर आगे क्या बोल रहा है डायरेक्शन विदाउट एनी इंड ठीक है इसका कोई एंड नहीं है यू विल नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन ठीक है तो जो ए लाइन आपको प्राप्त होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यह आपको एक मॉडल देती है लाइन के बारे में ठीक है डू यू थिंक डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कम्प्लीट फिगर पिक्चर ऑफ अ लाइन ठीक है क्या आप सोच रहे हो कि आप एक ड्रॉ कर सकते हो कम्प्लीट पिक्चर ऑफ लाइन नहीं ऐसा नहीं हो सकता नो no, वाई क्यों उसको हम लोग देखते हैं अ लाइन थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी ठीक है जो लाइन की होगी टू पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में रिटिन इट्स लाइन ए एंड बी ठीक है, इट एक्सटेंडेडली इन बोथ डायरेक्शन ठीक है इसको क्या कर सकते बेटा, दोनों ही दिशा में लिमिटलेस बढ़ा सकते हो सो इट इज कंटेन काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट ठीक है so, तो क्या करोगे इसको आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे, उतने ज्यादा बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे ठीक है तो टू तो तो पॉइंट्स आर Enough to fix a line देखिए तो क्या करता है उसमें कोई भी इमेजनरी टू पॉइंट आप ले लेते हो जो क्या करता है एक लाइन को फिक्स कर देता है विषय टू पॉइंट डिटरमाइन अ लाइन ठीक है तो आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे मान लो ए या बी हो सकता है ठीक है यहाँ पे ए या बी यहाँ पे पी या क्यू ठीक है इसमें तो बी क्यू हो जाएगा इसमें तो ए बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए डिटरमाइन करता है एक लाइन को ठीक है द एडजस्टन डाइग्राम फिगर फोर पॉइंट थ्री ठीक है फिगर फोर पॉइंट थ्री है इज दैट ऑफ अट क्यू रिटेन इन पी क्यू इस पर क्या करेंगे बेटा हम लोग ऐसे एक लाइन का सेगमेंट बना देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा लाइन हो जाएगा समटाइम्स अ लाइन इज नोनेटेड बाई ऑल लेटर लाइक एल एन एम ठीक है तो ये पी क्यू में लिखे हैं इसको आप एल एम भी लिख सकते हो ठीक है और एस भी लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो तो नेमिंग आपको करना है तो वही बोल रहा है कि सम टाइम द डोनेटेड बाय द लेटर्स एल एन एम ओके तो लाइन क्रिएट हुआ क्या बोल रहा है कि बेटा के दो लाइन सेगमेंट ले लो उसको क्या करो कि दोनों साइड में आप एक्सटेंड करो बढ़ाओ और उसके दो जो बीच दो लाइन ले लेते हो वहीं क्या करता है डिटरमाइन करता है एक लाइन को ठीक है टू पॉइंट्स ले लोगे गे वहीं क्या करेगा डिटरमाइंट करेगा एक लाइन को ओके नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है इसके बारे में लुक हम डायग्राम फिगर फोर ठीक है फोर पॉइंट फोर को डायग्राम देखो टू लाइन्स एलवन एंड एल टू और वन ठीक है यहाँ पे दो लाइन्स दिखाई गई एलवन एंड एल टू बोथ द लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट पी ठीक है दोनों लाइन क्या कर रही है बेटा पास कर रही है पॉइंट पी पे ठीक वी से एल एल वन एंड एल टू एंटरसेक्ट एट पी ठीक है क्या बोल रहे हो कि अब एल जो एलवन है और एल टू है वो क्या कर रहा है पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है यानी एक दूसरे को कट कर रही है इफ़ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट अगर दो लाइन है उसका कॉमन पॉइंट वन है तो इसी को आप बोलोगे क्या बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स और मॉडल्स दिए हैं एग्जाम्पल्स दिए हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का यहाँ पे हम लोग दे रहे यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है बेटा द एडजस्टेंट्स इट्स ऑफ

पैरल लाइन के बारे में लेटेस्ट लुक एट दिस टेबल ठीक है हम लोग देखते हैं इस, इस टेबल के बारे में द टॉप ए बी सी डी इज फ्लैट जो इसका जो टॉप है ए बी सी डी एक ऐसा बेटा फ्लैट है जपटा है आर यू एबल टू सी सम पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट ठीक है आप क्या देख सकते हो कि कुछ पॉइंट दे, दे सकते हो लाइन सेगमेंट दे सकते हो और दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट और यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट देख सकते हो क्या बोला एस ए बी एंड बी सी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट बी ठीक है ए बी क्या बोल रहा है बेटा ए बी एक लाइन हो गया और बी सी क्या हो गया एक लाइन हो गया एक दूसरे को क्या कर, रहे B, yes, कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे पॉइंट बी पे यस कर रही है बिल्कुल कर रही है विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए एट सी एंड ए डी ठीक है क्या बोल रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए पे सी पे और डी पे तो ए पे कौन कर रही है बेटा बी ए एंड डी ए कर रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है क्लियर वैसे ही डी पे क्या हो जाएगा सी डी और ए डी ठीक है सी पे क्या हो जाएगा बेटा डी सी और बी सी ओके डू द लाइन ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट क्या बोल रहा है कि ए डी ए डी एंड सी डी सी डी इंटरसेक्टेड यस सी डी और ए डी क्या है इंटरसेक्टेड है एट द पॉइंट डी ओके नेक्स्ट मूव करते हैं आगे आगे क्या बोला डू यू लाइन ए डी एंड बी सी इंटरसेक्टेड आप इसको जाके देख लो कि बी सी और ए डी इंटरसेक्टेड या नहीं यू फाइंड दैट ऑन द टेबल टेबल सरफेस दर्फेस दे लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट ठीक है आप देख रहे हो कि जो टेबल का सरफेस है उसके जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हाउ एयर फॉर दे आर एक्सटेंडेड ए डी बी सी फॉर वन सच पेयर कैन यू आइडेंटिफाई वन मोर सच पेयर ऑफ लाइन विच डू नॉट मीट on the top of the table. Okay. So lines like these which do not meet or seed to be parallel and call be parallel line. रिमेंबर ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं बैक क्या बोल रहा है क्या पे देखो सी डी सी डी को लेकर जाओगे ठीक है और यहाँ से ए डी को लेकर चले जाओगे ठीक है ए लेके एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जो सी डी है और ए बी है वो क्या हो जाएगा बेटा पैरलर लाइन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगी पैरल लाइन हो जाएगी अभी और आप एक और देखते हैं देखना चाहोगे तो सी बी और सी ए ए भी क्या हो जाएगा एक पैरल लाइन हो जाएगा क्लियर तो पहले लाइन क्लियर हुआ नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा पहले लाइन कन्फर्म होने के बाद में आगे क्या बोलो थिंक डिस्कस राइट इसमें देखो क्या दिया है एग्जाम्पल्स दिया होगा कि किसका पहले लाइन का ठीक क्या दिया है बेटा इट्स ऑफ रूलर ठीक है क्रॉसिंग ऑफ विंडो क्रॉस बार ऑफ विंडो तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है डू यू इल्स डू यू पहले लाइन ठीक है वेयर इल्स डू यू पहले लाइन ट्राई टू फाइंड द एग्जाम्पल्स उसको हम क्या करेंगे बेटा? इस में ये का सिंबल होता है सी डी ठीक है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लाइन सेगमेंट बना देंगे ओके तो क्या हो जाए बेटा पैलर लाइन लिख देंगे ठीक है इफ टू लाइन एलेवन एल टू आर पैलर तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एलेवन पैलर टू एल टू ओके नेक्स्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं बेटा पैरेलल लाइन के थ्री एग्जांपल्स दिए हैं ठीक है अपोजिट इज द रूलर रूलर का अपोजिट इस स्केल रूलर को स्केल ही भी बोला जाता है ठीक है क्रॉस बार ऑफ दिस विंडो देखिए कोई विंडो हो गया उसका क्रॉस बार हो गया और रेल लाइन्स जो हो गया जो रेल की पटरियाँ होती है वो दूसरे क्या होती है बेटा बेस्ट एग्जाम्पल होती है पहले लाइन की ओके अब आगे हम लोग देखेंगे क्या रे के बारे में ठीक है तो रे के बारे में बोलते क्या होगा बेटा इसमें एग्जाम्पल दी हो गया बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस ठीक है रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टर्स सनरे ओके okay? आगे हम लोग समझते हैं बेटा कि रेट्स के बारे में ठीक है रेट्स क्या बोल रहे हैं आप द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अरे ठीक है वहाँ पे जो ऊपर दिया था वो कुछ मॉडल्स थे एग्जांपल्स थे रेके तो हम लोग देखते हैं एरिया इज अ पोर्शन ऑफ लाइन ठीक है जो हो, एरिया होती है वो एक पोर्शन ऑफ लाइन होती है इट स्टार्ट इन द वन पॉइंट ठीक है क्या होती है बेटा वन पॉइंट से स्टार्ट होती है कल स्टार्टिंग पॉइंट अ इनिशियल पॉइंट एंड गोज

पॉइंट क्या होगा बेटा ऑफ द पॉथ ऑफ द रे ठीक है और सॉरी पी क्या होगा बेटा ए क्या होगा पॉथ ऑफ द रे होगा इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा डोनेट करेंगे कैसे ए पी ठीक है इसको रे के बारे में यानी इसका वन इन पॉइंट तो कंफर्म है बट इसका जो सेकेंड इन पॉइंट है वो इनफाइनाइट है उसका कोई अंत नहीं है ठीक है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको वन साइड से इसका रो बना देंगे एपी ओके okay? आगे हम लोग देखेंगे बेटा कर के बारे में हम लोग ओके okay? करो क्या होता है इसको तो समझते हैं हैव यून टेकन अ पीस ऑफ अव यून टेक इन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड जस्ट पेपर जस्ट डूड एल्ड दिक्चर दैट और रिजल्ट ऑफ यू डूड लिंग आर कॉल्ड करव ठीक है क्या बोल रहा है कि हैव यू आर टेकन अ पीस ऑफ पेपर ठीक है आप क्या करते हो कि पेपर का पीस लो और उसमें क्या करो जस्ट डेट ठीक है यानी एक इमेजिन लाइन खींच दो कोई भी इमेजिन लाइन ठीक है डूडल का मतलब क्या होता है बेटा बिना देखे हुए किसी भी लाइन को खींच देना यानी ठीक है एक इमेजिनरी लाइन खींच देना इसी को डुडल्ट बोलते हैं दिस पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ द और डूडलिंग आर कॉल्ड करो ठीक है ये जो डूडलिंग है आपका जो एक इमेजिनरी लाइन खींचने के स्टाइल से उसी को क्या बोला जाएंगे बेटा करो बोला जाएगा ओके देखो मैंने क्या किया एक कोई पेन उठाया और किसी भी अपने पेज पे वाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे ऐसे खींच दिया ठीक है इसको क्या किया बेटा एक ओपन है तो क्या हो जाएगा ओपन कर और इसको ला करके मैंने कहीं मिला दिया तो क्या हो जाएगा क्लोज करो ओके तो करो क्लियर हुआ नेक्स्ट में आगे हम लोग देखते हैं बेटा कई मैच दिया हुआ आगे हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में ठीक है इतना बस वो बकवास दिया हुआ है कि आप क्या करोगे ठीक है इफ द कर्व डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ ठीक है यदि आप जो करो बनाते हो, एक इमेजनरी लाइन जो बनाते हो एक दूसरे को क्या करती है बेटा क्रॉस नहीं करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा सिंपल करो ठीक है हाँ ओपन करो भी बोल सकते हैं ड्र फाइव मोर सिंपल करो एंड फाइन करो दैट आर नॉट सिंपल कंसिडर दिस नाउ फोर पॉइंट एलेवन ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा सिंपल करो गया इज द डिफरेंट बिटवीन दिस टू द फर्स्ट इमेज फोर पॉइंट वन एंड ओपन करो एंड द सेकेंड फोर पॉइंट एलेवन सेकेंड क्या होगा क्लोज करो ठीक है तो ओपन करो और क्लोज करो क्या होता है बेटा बस सिंपल करो उसी को बोला जाएगा ठीक है एक मैंने इमेजनरी लाइन बना दिया ठीक है इसको कहीं से क्लोज नहीं है यानी इसको क्या करिए एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है लाइन तो क्या हो गया बेटा ओपन करो हो जाएगा बट इसी को मैंने मिला दिया तो क्या हो जाएगा क्लोज करो हो जाएगा ओके और कर में कुछ नहीं है बस फालतू बकवास दिया हुआ ओके आगे मूव करते हैं पोजीशन ऑफ अ फिगर ठीक है एक पोजीशन देख लेते हैं किसी फिगर में ठीक है मैंने मान लो ये जो इमेज दिया हुआ है इसको मैंने एक इमेजनरी लाइन से ड्रा कर दिया ठीक है तो इमेजनरी लाइन के अंदर की जो होती है ठीक है बेटा जो अंदर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीरियर इन साइड ऑफ द कर्व ठीक है इसको क्या बोलेंगे इन साइड ऑफ द कर्व ठीक है किसी बाउंड्री पे जैसे मान लो बी है ठीक है जहां से लाइन लिया गया उसी पॉइंट पे मैंने कोई पॉइंट लिया था उसको क्या बोलेंगे बाउंड्री ऑन ऑफ द करो ठीक है इसको क्या बोलेंगे ऑन ऑफ द करो ठीक है और इसके बाहर जैसे मैंने पॉइंट से सी ले लिया है तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द करो ओके और कुछ नहीं है इसमें बाकी सब कंप्लीट हो गया फिर हम लोग देख लेते हैं बेटा पॉलीगन पॉलीगन क्या होते हैं बेटा उसको समझ लेते हैं बस ठीक है लुक एट दिस फिगर ठीक है ये जो फिगर्स हुए हैं उसको आप ध्यान से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक दिया हुआ है ठीक है ठीक है पॉलीगन के एग्जाम्पल से आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे ठीक है डिस्कस कर रहे हैं क्या देखते हैं बेटा कि वाइट यू से आप क्या कर सकते हो कि आर क्लोज ठीक है सभी क्या है क्लोज हैं हाउ डज इट्स वन ऑफ देम डीफर फ्रॉम द अदर ठीक है other, आप कैसे बोल सकते हो कि एक दूसरे से अलग है ठीक है इसमें जो नंबर दिए हैं सभी को दे दिया है। और स्पेशल बिकॉज दे आर द मेड ऑफ द एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर द ऑल्सो सिंपल क्लोज कर दे आर कॉल्ड पॉलीगंस ओके okay? ठीक तो पॉलीगन क्या होगा बेटा सो फिगर इज अ पॉलीगन इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सिगमेंट ड्रॉ अ डिफिनेटली सेब्ड पॉलीगन ठीक है क्या हो बेटा पॉलीगन क्या होता है कि पॉलीगन वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलोगे लाइन सिगमेंट से आप एक क्लोज फिगर बना दो उसको क्या बोलोगे पॉलीगन बनाओगे ठीक है सबसे कम साइड्स के पॉलीगन कौन सा होगा बेटा ट्रैगल होगा जिसके कितने साइड्स होंगे थ्री फिर उसके बाद फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टीन एक्सेट्रा आप जितना बढ़ाते चले जाओ ठीक है ओके हो जाएगा बेटा पॉलीगन हो जाएगा ओके यहाँ पे देखो फाइव लाइन का एक पॉलीगनस बनाया हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है फिफ्थ लाइन सेगमेंट का बनाया हुआ इसमें हम लोग देखेंगे साइड्स क्या होता है वैटिक्स क्या होता है डाइगोन क्या होता है ठीक है मैं इसी में समझा देता हूँ इसको मैं काफ़ी ये दिया हुआ है लेकिन इसको मैं हम लोग पढ़ेंगे नहीं ठीक है डायरेक्ट इसको समझा देते हैं हम लोग बेटा साइड्स क्या होती हैं ठीक है ये जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं बेटा जो एक दूसरे को मीट करती हैं ठीक है यही क्या होती हैं बेटा इसके साइड्स हो, हो गए तो इसकी साइड्स कितने हो गई फाइव क्लियर तो साइड्स क्लियर हो गया और वैटिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है वैटिक्स क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे देखो ए से बी गया ठीक है और बी से सी और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी जो एक दूसरे को कट कर रही है यहीं क्या हो गया बेटा पॉइंट बी क्या हो जाएगा वैटिक्स ठीक है साइड्स क्या हो गया ए बी एक साइड्स हो गया बी सी दूसरी साइड्स हो गया ठीक है और सी डी दूसरा डी ई e, दूसरा और ई e, ए दूसरा ठीक है बट वेटिक्स की बात करेंगे तो दो लाइन सेगमेंट्स को जहाँ पे एक दूसरे से मीट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं वेटिक्स और डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा ठीक है जैसे ए से हम लोग सी गए ठीक है और ए से डी चले गए तो ये क्या हो जाएंगे बेटा डायगोनल्स हो जाएंगे ओके इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ऑफ पॉलीगन और कल्ड इट साइड्स ठीक है? वो सेगमेंट जो क्या करती है बेटा पॉलीगन को फॉर्म करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसके sides बोला जाता है। है? है? आगे हम देखते हैं. Vitex क्या होता ठीक जो मीटिंग पॉइंट होती है एक दो साइड्स की उसको हम लोग क्या बोलेंगे वैटिक्स बोलेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि क्या होता है डायगोनल्स इसमें देखो ये ठीक है ये जो मैंने पॉइंट बताया था कि जैसे सी सी ई गया ई सी बी गया तो कंसीडर द पेयर ऑफ वर्टिक्स फीच और नॉट एडजेसेंट ठीक है जैसे ए e, ए e, क्या है बेटा नॉट एडजेसेंट है तो इसको क्या बनाएंगे जॉइन द वटिक्स और कॉल द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ए सी हो गया ए डी हो गया ये क्या हो जाएगा एक डायगोनल्स हो जाएगा ठीक है बी डी हो गया बी डी हो, हो गया और डी सी ई हो गया ये क्या हो जाएगा डायगोनल्स हो जाएंगे ओके बस आज के लिए इतने ही फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो नहीं क्लियर होगा बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ठीक है डेफिनेटली मैं आप लोग को बताऊँगा ओके थैंक यू